हम लोगों ने पीएचडी थ्री में मानव के ज्ञान को लेकर विस्तृत चर्चा की, उसके अस्तित्व के ज्ञान को लेकर विस्तृत चर्चा की, उसके बाद मानवतापूर्ण आचरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि दो तरीके से देख सकते हैं, इन दो तरीकों को मॉडल वन और मॉडल टू कहा। मॉडल वन में ये देखा, क्योंकि हम लोगों ने सेल्फ के डेवलपमेंट को लेकर विस्तार से चर्चा की थी कि अगर सेल्फ फुली डेवलप्ड हो, सारी एक्टिविटीज अवेकेंड हो, सारी क्रियाएं जागृत हैं, तो फिर जीने का कैसा स्वरूप बनता है। तो अनुभव से नीचे की सारी क्रियाओं को आधार मिलता है और उस आधार पर स्वयं में व्यवस्था की निश्चितता निरंतरता हो पाती है और वो फिर आचरण की निश्चितता में जाता है। एक तरीका यह है देखने का। तो अनुभव के आधार पर स्वयं की क्रियाओं में पूर्णता निश्चितता निरंतरता और से आचरण में पूर्णता निश्चितता निरंतरता, व्यवहार में, कार्य में, भागीदारी में। उसको एक दूसरी तरह से अगर देखें मॉडल टू में, तो ये बात हुई कि इसी को हम अब मूल्य नीति चरित्र के आधार पर भी देख सकते हैं। जब मुझमें अनुभव क्रिया जागृत होती है तो मेरे में सारे मूल्यों का चिंतन पूर्ण होता है। अब मैं हर एक इकाई के साथ भागीदारी को जैसा है वैसा देख पाता हूँ। जब ऐसा होता है तो जो मेरी कल्पनाशीलता में चल रहा है नीति के रूप में दिखाई देता है, उसमें एक निश्चितता निरंतरता होती है, सार्वभौमिकता होती है, और वो जब जीने में जाता है तो उसका एक स्वरूप दिखाई देता है। और ये जो मॉडल टू है तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम समाज की व्यवस्था की संस्कृति की बात करते हैं। तो स्वयं के विकास के रूप में देखें तो मॉडल वन, और जब हम समाज में जी रहे हैं एक निश्चित आचरण के साथ जी रहे हैं तो हमारे जीने का कैसा स्वरूप होगा, ये मॉडल टू हुआ। तो इसको हम लोगों ने समझा था कल बारीकी से, विस्तार से, मतलब कुछ शुरुआती मुद्दों को उसको और विस्तार से लेंगे। तो मूल्य का मतलब है कि अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, उसको मैं देख पाता हूँ अपने आप में, तो स्वयं में मूल्यों को देख पाता हूँ, संबंध में मूल्यों को देख पाता हूँ, सुविधाओं के साथ अपने मूल्यों को देख पाता हूँ। वैसे नीति का मतलब है कि जो मूल्य मुझे स्पष्ट हुआ उसके आधार पर योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, उनका जो फल परिणाम है उसका आधार पे फिर मूल्यांकन करना, फिर पुनः योजना बनाना, ये सारा नीति के रूप में दिखाई देता है। और वैसे चरित्र के रूप में, तो चरित्र के रूप में हमने देखा था कि कैसे स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार हमें दिखाई देता है आचरण के रूप में, इस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो एक मानव के रूप में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण ज्ञान के आधार पर हो पाता है, यानी क्या मेरी भागीदारी है और क्या मेरी भागीदारी नहीं है। नीति में देखें तो तीन तरह की नीति, अर्थ नीति, राजनीति, धर्म नीति। अर्थ नीति मतलब कि जो भी हमारे पास अर्थ है, तन मन धन, उसके संवर्धन की नीति। राजनीति मतलब उसके संरक्षण की नीति, और धर्म नीति मतलब उसके सदुपयोग की नीति। तो ये नीति व्यक्ति के स्तर पर भी परिभाषित होता है, समाज और देश के स्तर पर भी परिभाषित होता है। तो हम अपने परिवार में भी बनाते हैं कि तन मन धन के संवर्धन के लिए क्या किया जाए, इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाए, सदुपयोग के लिए क्या किया जाए। इसमें आप पाएंगे कि मुख्य मुद्दा सदुपयोग का है कि नहीं। अगर हम सदुपयोग से शुरू करते हैं तो हम ठीक ठीक तय कर पाते हैं कि क्या कितना कैसे संरक्षण करना है, और फिर हम तय कर पाते हैं क्या कितना कैसे संवर्धन करना है। चरित्र की बात करें तो व्यवहार हमारा ऐसा हो जिससे उभय सुख हो, कार्य हमारा ऐसा हो जिससे उभय समृद्धि हो, यानी मुझमें समृद्धि का भाव बना रहे और शेष प्रकृति की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। और जब मैं सुविधा का उपार्जन करने जाता हूँ तो एक निश्चित विधि से करता हूँ, स्वधन का, उसका भी बात करेंगे हम लोग। और वैसे ही मैं स्त्री पुरुष संबंधों का जो निर्वाह करता हूँ तो उसमें एक चैस्टिटी का निर्वाह करता हूँ, जैसे स्वनारी स्वपुरुष का निर्वाह होता है। तो ये तीन भागों में हम लोग इसको देख सकते हैं। अभी एक करके हम लोग स्टडी करते हैं इसको। अभी तक जो चर्चा हुई उसको लेकर कोई प्रश्न हो, कल दिन भर आपने असाइनमेंट करते हुए कुछ नया सोचा हो, कोई नया प्रश्न बन गया हो, उसको हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। भैया यूएचवी के बाद में शब्दों पे पकड़ नहीं बन पा रही है, समझ तो बढ़ रही है, तो समझ में तो परिमार्जन फील कर रही हूँ भैया। हाँ बढ़िया बात है दी, शब्दों पे भी पकड़ बना ले। जैसे हमें अपनी बात को रखनी हो किसी के सामने तो शब्दों की पकड़ अगर हमारी ठीक रहती है
तो बात ठीक ठीक संप्रेषित हो पाती, पहुंच पाती दूसरे तक। अगर शब्दों की पकड़ ठीक नहीं होती है तो जो हम कहना चाहते हैं कई बार हम उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जो एक्सप्रेस करते हैं उसमें कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाते हैं या ना दूसरे तक पहुंच नहीं पाती, दूसरा उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाता अपने लिए। एग्जैक्टली भैया, इसीलिए आपसे जो मैं पूछने जा रही हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि आप मेरी बात को सही से समझ करके, और मतलब मैं अपना कंफ्यूजन दूर करना चाह रही थी जी। भैया, जैसे ना व्यवस्था और अस्तित्व पे तो समझ बिल्कुल क्लियर हो गई है मेरी, कि व्यवस्था में कैसे भागीदारी कर सकते हैं, और सदुपयोग पर भी काफी समझ क्लियर हो गई है। जैसे पहले तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल जाना पड़ता था परिवार में भी, जैसे गाड़ी की बात लो तो बच्चे कहते नहीं मम्मी बड़ी गाड़ी लेनी है, तो मैं ये झूठ बोल गई कि नहीं बेटा अभी मैं नहीं चला पाऊंगी बड़ी एकदम से, तो अपन छोटी ले लेते हैं फिर बड़ी लेंगे। पर अब ये क्लियर हो गया कि नहीं, अपने को कैसे बात करनी और कैसे समझाना है। पहले जैसे लाइट पानी बस जा रहा है तो कहने में और समझाने में शब्दों का सही प्रयोग नहीं करना या लूज टेम्पर हो जाना, नहीं एक बात को बार बार समझ आना, पर अब ये समझ आ रहा है कि ठीक है प्रस्ताव रखा है, अब अपने को जबरदस्ती नहीं करनी है। भैया संबंधों में थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है कि भाव तो बिल्कुल बह जाने के रहते हैं, कि बिल्कुल मतलब शुरू से भी मेरा नेचर रहा है कि नहीं विरोध की स्थिति नहीं आए, पर बीच में थोड़ी परिस्थितियां ऐसी बनी कि सामाजिक बात स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर जो मान्यताएं वगैरह बनी हुई है उनको ध्यान में रख करके कैसे आगे बढ़ना है, तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो जाती थी कि भाव तो सहज स्वीकार के बह जाने वाले ही रहते हैं, पर मुझे कितना करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, भैया ये ना ये अभी थोड़ा कंफ्यूज रहता है, एकदम क्लियर नहीं कर पाती हूँ कि मेरा अंतर्मन तो ऐसा ही है कि मुझे बिल्कुल से सब कुछ मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर लूं, पर कैसे करूं और किसके लिए करूं भैया, ये मतलब सहज प्रकृति के साथ मैच नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे सामाजिक और पारिवारिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ऐसे भैया। जी देखिए, तो अगर हम सुविधा या शरीर के स्तर पर जब कोई निर्णय लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे विकल्प बने रहते हैं, इसके आधार पर कुछ कंफ्यूजन भी बना रहता है। अगर संबंध में भाव के स्तर पर हम देख पाए तो वहां निर्णय लेना आसान होता है। भाव ऐसा तो फील हो रहा है कि मैं सबसे संबंध फील करती हूँ, ये मेरे को तो क्लियर है, पर हम समझा नहीं पाते ना किसी को कि भाई संबंध फील कर रहे हैं इसके लिए हम इतना करना चाह रहे हैं। जी, तो इसलिए तो संबंध के भाव के साथ करते हैं तो उसमें निश्चितता बढ़ जाती है, और जब स्वयं में समझ को इंश्योर करके करते हैं तो निश्चितता भी होती है, निरंतरता भी होती है। अगर मेयरली भाव के स्तर पे कर रहे हैं तो निरंतरता की संभावना तो होती है, पर निरंतरता नहीं हो पाती क्योंकि समझ सुनिश्चित नहीं है। तो मुझे दिखाई दे कि अल्टीमेटली मुझे अपने हर संबंधी के लिए जो करने का काम है उस समझ विकसित करना है, सही भाव विकसित करना है, उस अर्थ में ही शरीर से या सुविधा से दूसरे के लिए कुछ अनुकूलता देना या कुछ है ना उसके लिए सेवा करना, कोई सुविधा जुटा के देना इत्यादि हो सकता है। तो ये हमें स्पष्ट होता है, अदरवाइज हम सुविधा या शरीर के स्तर जो कुछ भी करते हैं क्योंकि वो मात्रात्मक है, उसमें भाव हम संप्रेषित तो कर सकते हैं उसके माध्यम से, बट यदि भाव केंद्र में नहीं है तो अल्टीमेटली क्या भाव पहुंच रहा है ये हम भी नहीं देख पाते हैं, दूसरा भी देख पा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट आए, हमको लगता है इनका बहुत अच्छे से हमको स्वागत करना है, स्नेह का भाव इन तक पहुंचाना है, और हम खूब मेहनत करते हैं, खूब डिलीशियस फूड बनाते हैं, ठीक है, और उसके लिए बहुत मेहनत की हमें घंटों लगाए, और अगला व्यक्ति जो है उसके साथ हमें मूल्यांकन ये करता है कि अच्छा इन्होंने खूब पैसा कमाया है इसलिए इतना सब खिला पिला रहे हैं, तो क्या हो गया, हमने मेहनत की, खूब सुविधा जुटाई, हमने एक अच्छे भाव से भी किया, कौन सा भाव दूसरे को सहज रूप से स्वीकार है ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ एग्जैक्टली भैया, तो इस समझ के लिए कैसे काम करूं भैया? यही तो कर रहे हैं सुबह सुबह ये सुबह सुबह जो समय लगा रहे हैं
कि समझ में आ जाए कि अगला व्यक्ति आ रहा है तो उसके साथ संबंध के निर्वाह का एक आवाज भाग कट है गई भोजन। भैया, आवाज कट गई थी आपकी। जी मैं कह रहा था कि कोई गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं तो उनके साथ संबंध के निर्वाह के लिए, स्नेह का भाव पहुंचाने के लिए एक भाग है सुविधा। सुविधा मुख्य बात नहीं है। तो हम तो अगले व्यक्ति का संबंध को अगर महसूस करते हैं तो उनके बारे में जानना समझना चाहेंगे, उनके लिए हम जो कुछ सार्थक कर सकते हैं उनको पूछेंगे, उनसे सुनेंगे, और साथ में ही जो भी हमारे पास समय होगा उसको हम समझ के लिए लगाएंगे। बैठेंगे तो हम ऐसा नहीं कि बैठ के इधर उधर की बातें करेंगे या समस्याओं की बातें करेंगे या उनकी मान्यताओं में अपनी सहमति दे देंगे। कोई आए गेस्ट का कहने लगे देखो भाई पूरा करप्शन फैला हुआ है, एक आदमी आज के दिन दुनिया में ठीक नहीं है, और हमने भी कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक आदमी भी ठीक नहीं है। अब इसे क्या हो गया, हमने उनकी मान्यता को पुष्ट कर दिया, उनके लिए खूब बढ़िया पकवान बनाया, खिलाया पिलाया सब कुछ, बट अल्टीमेटली क्या किया, जहां उनमें समझने की संभावना थी उसको रोक दिया हमने। तो भैया जो ये अपोज कर रहे हैं हम किसी भी बात पर, ये तो चलिए पॉलिटिक्स की या कोई बात है, कोई भी जैसे ऐसी बात चल रही है भावनाओं की या और कोई चीज की, तो वो जो अपोज कर रहे थे भैया वो विरोध वाली स्थिति नहीं हुई, क्योंकि वो अलग तरह से चाह रहे हैं और हम अलग तरह से चाह रहे हैं, तो फिर ये विरोध नहीं हुआ भैया? नहीं देखिए चाहना हम सबकी सेम है। हाँ अगले कोई मान्यता बनी हुई है, हम अगले की बात सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, हम उसके साथ पूरा एक संबंध के भाव को महसूस करते हुए उसकी समस्या को समझते हैं, और वहां हम जहाँ अवसर मिलता है अपना समाधान रख देते हैं। तो कोई बैठ के कितनी भी समस्या सुनाए हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक बात है, ये देख लीजिएगा कि चाहना भी ठीक है या चाहना में भी कोई गलती है ना, और अगर चाहना ठीक है, समझ में कमी है, योग्यता में कमी है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इतनी बात कह दें हम एक या दो लाइन में। तो हम एक तो उसके समस्याओं के पूरे वृत्तांत से प्रभावित नहीं हुए, ठीक, हमने उनकी समस्याओं के आधार में जो मान्यता है उसे सहमति भी नहीं दी, और जो कुछ हमसे उस समय अवसर था समाधान रखने का हमने रख भी दिया। और आप अगर इस एक समाधान केंद्रित संवाद को अगर आप अपने अभ्यास में ले आते हैं तो आगे से आप पाएंगे कि जो व्यक्ति आपसे मिलते जुलते हैं वो आपके सामने जो कोई बात भी रखते हैं तो समाधान की आशा में रखते हैं या समाधान को लेकर ही बात करते हैं, योजना कार्यक्रमों को लेकर बात करते हैं कि क्या योजनाएं बन रही हैं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना, कैसी व्यवस्था तैयार हो रही है। तो हमारे पूरे जीने का स्वरूप ही ऐसा बन जाता है। तो संबंधों के निर्वाह में भी हमें दिखाई दे कि अल्टीमेटली हमें समझ को शेयर करना है, समझ को डेवलप करना है सही भाव के साथ, और उसके अर्थ में हमको सुविधा उपलब्ध करानी है। सुविधा केंद्र में नहीं है, जैसे हम सुविधा केंद्र में लाते हैं हम मेहनत भी बहुत करते हैं, थकते भी हैं, और उसमें तृप्ति भी नहीं होती। भैया जैसे ना परसों गुड़िया को लेकर के बस में जाने का काम पड़ा मुझे, तो यहाँ से 3 घंटे का ही सफर था और गुड़िया के लिए कुछ खाने के लिए लेकर बैठी थी मैं, तो 3-4 लोग थे भैया, वो ट्रेन से कहीं आगे से आ रहे थे और वो मतलब कुछ खरीद नहीं पाए और उनका बस का टाइम हो गया, उन्हें बस में चढ़ना पड़ा, तो वो बार बार बात कर रहे थे यार बहुत भूख लग रही है, रुक नहीं रही है बस, कोई आ नहीं रहा है ऐसा स्टेशन कुछ लेकर खा पाए। तो मुझे लगा 1.5 घंटा तो निकल गया है, अब 1-1.5 घंटा ये कोई बात नहीं, गुड़िया को का थोड़ा सा तो खा ले, फिर मैंने उन्हें वो सब दे दिया। भैया मेरे पास कुछ नहीं रहा खाने का और कोइंसिडेंशियल भैया जैसे ही उन लोगों ने खाकर खत्म किया सब कुछ और हमारी बस पंचर हो गई, बस के पास पूरा साधन नहीं था बस वालों के पास, तो हमें 1.5-2 घंटा तो वहीं वेट करना पड़ा, उसके बाद हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 1.5-2 घंटा लग गया। अब इस बीच में गुड़िया को भूख लगती, तो भैया ऐसे में कंफ्यूज हो जाता कि मैंने किया तो भाव से था, पर अब जो मेरी गुड़िया भूख लग रही है या जो मतलब सर्वाइव कर रही है अभी इस स्थिति में, तो मेरा उस समय भाव सही था नहीं था, अब मुझे मतलब तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती है ना कि हम जिस भाव से कर रहे हैं उसके बाद में परिस्थिति चेंज होकर के हमें उस भाव पे क्वेश्चन आने लगा, तो उस समय की समझ पर भैया मतलब प्रश्न उठता है अपने आप में कि क्या कैसे करना चाहिए। जी तो देखिए इसमें ये हो सकता है सामयिक रूप से कि हमारे पास सामयिक रूप से कोई सुविधा कम हो गई, हमने अपने संबंधी को दे दिया इसलिए हमारे पास थोड़ी कम हो गई। उसमें बच्चे में भी ये समझ विकसित हो सकती है कि हाँ अभी थोड़ी देर की ही बात है, थोड़ी देर बाद उस सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाएगी। भैया बच्चे की तरफ से प्रॉब्लम नहीं, जो मन में अंतर्द्वंद चलते हैं ना भैया, ऐसे ये तो एक छोटा सा उदाहरण लिया है भैया मैंने,
ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां होती कि मन में अंतर्द्वंद हो जाता है कि वह सही था या अब नहीं करना चाहिए। जैसे लोग कहते नहीं, अपनी चीज संभाल करके रखो, काम में मत लो, अब ये काम आने वाली है और अब अपने पास नहीं है, उस समय अपन ने जी नहीं दिया होता, ऐसे जब यह चलता है मन में अंदर। जी तो इसमें भी आप देखें कि इसको निर्वाह करते हुए कल्पनाशीलता में कुछ बातें हमें स्पष्ट हो जाती है कि हाँ भाई, अगर शेयर भी कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें भी थोड़ी जरूरत पड़े नियर फ्यूचर में, तो थोड़ा अपने लिए रख लिया। तो ये सब तो निर्णय हो जाते हैं। ये द्वंद्व चलता है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भाव में चूक हो जाती है ओके हाँ भैया, ना। हमें कई बार ऐसा लगता है कि देखो, इतनी उदारता नहीं दिखानी चाहिए थी, है ना। हाँ जो भी अंदर द्वंद तैयार हाँ हो, उसको आप देखिए, उस द्वंद के आधार में भाव क्या है। तो ये हम कई बार इसको देख लेते हैं कि हाँ भाई, अगले के साथ शेयर किया, बट ऐसा नहीं कि हमारे परिवार में कोई कमी रह जाए, या हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में तुरंत उपलब्ध हो जाएगा तो पूरा दिया, नहीं लगता है कि हो पाएगा तो थोड़ा अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के लिए शेष रख कर शेष को दे दिया। ये सारे निर्णय हो सकते हैं। मतलब एक बेसिकली भैया, ये है एक तो कंफ्यूजन ही ना, मतलब है तो वही ना कि हम कैसे क्लियर करें, हो जाएगा या होना चाहिए, ये तो परिस्थिति पर बात आ गई ना भैया वापस। तो इसमें देखिए, परेशान हम तब होते हैं जब हमारे अंदर भाव में कोई चूक होती है। अदरवाइज इस तरह के निर्णय हम ले सकते हैं, इस तरह के निर्णय हम लोग लेते भी रहते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में एग्जैक्टली क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी ये तो बहुत सारी बातों पर निर्भर है, हमको पहले से स्पष्ट रहता है। तो आप पाएंगे कि जहां तक सुविधा की बात है, उसकी आवश्यकता सीमित होती है, सामयिक होती है, और उसमें एक सीमा भी होती है इस रूप में कि अगर उसको जिस क्षण में आवश्यकता है, अगर उस क्षण में ना पूरा करके थोड़े समय बाद भी पूरा किया जाए, तो ऐसा नहीं कोई मेजर बाधा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। जैसे भूख लगी है, अभी नहीं खाएंगे, 2 घंटे बाद खा लेंगे, ये हो ही सकता है। तो इस तरह के निर्णयों के प्रति हम आश्वस्त भी रहते हैं कि ये तो हो ही सकता है, जो परिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन हो ही सकता है। ये परिवर्तनशील को जो हम निरंतर बनाए रखने का प्रयास करते हैं, परिवर्तनशील में जो हम निश्चितता ढूंढने जाते हैं, फिर हम परेशान होते हैं। अदरवाइज ठीक है, ये तो हो ही सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि जिनके साथ हमने शेयर किया है ना, उनको दिख रहा है कि हमारी आवश्यकता बन गई है और उनके अंदर भी सही भाव हो, तो फिर हमारे लिए व्यवस्था करते हैं। परिवार में, समाज में ऐसा होता ही रहता है। वैसे तो द्वंद में आप नहीं होता देखिए, है। द्वंद में जो भाव आपके अंदर बन रहा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि उस समय जो उलझन हो रही है, जो आपके अंदर विचार चल रहा है, उसमें क्या प्रश्न तैयार हो रहे हैं, है ना। उन प्रश्नों को थोड़ा नोट कर लीजिए तो अपने में और क्लैरिटी बनेगी कि अल्टीमेटली किस बात से द्वंद्व शुरू हुआ, मेरी परेशानी कहाँ से शुरू हुई। भैया, जैसे परिस्थिति वाली बात आ रही कि जैसे अभी मैं बहुत बेस्ट कुछ करना चाह रही हूँ, आपसे पहले भी बात हुई थी कि जैसे एग्रीकल्चर में या उसमें कुछ करना चाह रही हूँ, पर परिस्थितियां ऐसी बनी, गुड़िया के साथ मुझे इधर आना पड़ा और सब रह गया। मेरे जो लगाए हुए पेड़ हैं या गमले हैं भैया, जो अभी मैं जब गई तो वो भी सारे सूखने लगे। बहुत सारे लोगों को तो काफी पैसे देकर भी पानी डाल दें, या पड़ोसियों को भी रिक्वेस्ट किया, गार्ड को भी किया, पर वैसा जैसे हो नहीं पाता भैया। पर इस समय भी वापस कंफ्यूज तो है कि परिस्थिति मेरी ये है कि मेरी यहाँ जरूरत है और मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पेड़ और वो जो सारा मैं व्यवस्था के अस्तित्व के रूप में, व्यवस्था के रूप में जो करना चाह रही थी, वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे समय में वापस ये कंफ्यूज होता है कि परिस्थिति बस लिए गए निर्णय में हम कैसे समझ को विकसित करें। जी, इसमें भी आप पाएंगे कि जितना हम फैल के जीते हैं उतना आसानी से ये सब चीजों पे हम निर्णय ले पाते हैं। अब जैसे आपने घर में पेड़ लगाए और बच्ची के साथ उनके हॉस्टल के पास कहीं आपको जाके रहना पड़ा, आप ही ने शेयर किया था ना, कोटा में जाके रहना पड़ा आपको, हाँ, वही भैया वही। तो हम पहले से तैयार हैं कि ठीक, आज हमने पेड़ लगाया, हो सकता है हम पेड़ के साथ उपलब्ध ना हो आने वाले समय में, तो हम या तो किसी को कह जाएंगे कि आप लगा दो, डाल दो पानी, और उसमें भी अगर उसकी तत्परता हुई तो डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। गमले नहीं में है तो डालता गमले है। में किसी क्या रख दिया, तो हमने अपनी भागीदारी निश्चित रूप से पूरी की। पेड़ चले कि नहीं चले में बहुत सारी बातों पर निर्भर है, तो हमें इस बात का सुख मिलता है कि मैंने अपनी भागीदारी तो ठीक से पूरी की, है ना। पेड़ नहीं चला, ठीक है नहीं चला, तो इससे हम परेशान नहीं होते हैं फिर, क्योंकि हमको पता ही है कि पेड़ का चलना या न चलना, यानी कि पेड़ का बने रहना या न बने रहना पेड़ के रूप में, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर है। फिर ये मान्यता आ गई कि मैं तो आज जो कर रही हूँ वो तो अपना बेस्ट कर रही हूँ, अब मैं आगे का कैसे सोच सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ये तो वही भैया पुरानी फिर जो अंदर मान्यता है कि हम आज अच्छा करते चले,
आगे का तो हम कैसे ही सोच सकते हैं। हाँ तो देखिए, हमें ये दिखता है कि जो फल परिणाम आते हैं उसमें बहुत सारी बातों का योग संयोग होता है। मेरी भागीदारी मेरे भाव विचार के अर्थ में है कि मेरा भाव ठीक है, मेरा विचार ठीक है, तब मैं निर्णय लिया। अब फल परिणाम जो आएंगे उसमें जो शेष बात जो बाहर का वातावरण है, यानी जो शेष प्रकृति है, जो अन्य मनुष्य है, उन सबकी भागीदारी से होगा। सही नहीं, अब आपने बीज लगाया और आपको ये आशा थी कि ये 3 दिन तक पानी नहीं बरसेगा और पानी ऐसा भर गया कि पूरा खेत डूब गया, तो आपने भागीदारी तो ठीक थी, है ना। ये है जरूर कि आपने जो सूचना ली अभी तक के आपका जो अध्ययन रहा प्रकृति के बारे में, उसको जो अनुमान लगाया थोड़ा गलत हो गया। तो इसलिए पहले से तैयार रहते हैं कि ऐसा हो सकता है। मेरी भागीदारी बीज लगाने तक, उसमें खाद पानी डालने तक है ना, फसल कट के घर में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारी बातों का समावेश है। अगर समाज में अमानवीयता है तो कोई हमारा खेत का फसल ही काट के ले चला जाएगा, अगर कभी तेज आंधी पानी हो गया तो कहिए कि फसल बह जाएगा, ये सारा हो ही सकता है। तो ये जो फल परिणाम को लेकर हम दुखी सुखी होते रहते हैं, इसमें कभी निश्चितता निरंतरता हो ही नहीं सकती। अभी कई बार फल परिणाम हमारे आशा के अनुरूप आते हैं जबकि हमारी भागीदारी ठीक नहीं होती। तो हमने भले ही जो भागीदारी करनी थी नहीं पूरा, कि हमको पौधे में पानी डालना था, बट हमको आराम करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगा तो हम आराम करते रहे, संयोग बस बारिश हो गई, काम चल गया। हाँ, तो उस समय बड़ी खुशी होती भैया कि ना, मतलब होती है कि हाँ देखो हुआ तो अच्छा, क्योंकि आप फल परिणाम से मोटिवेट या डीमोटिवेट हो रही हैं अपने भाव से नहीं। हाँ, अपने भाव से नहीं। तो ये जैसे ही बाहर के फल परिणाम पे हम निर्भर हो जाते हैं अपने सुख के लिए, समृद्धि के लिए, वैसे ही उसमें ना तो निश्चितता रह जाती है, निरंतरता रह जाती है, क्योंकि बाहर पे निर्भर है ना। हमने पौधा लगाया, पौधा चल गया, फूल खिल गया, हम बड़े प्रसन्न है। पौधा मुरझा गया, मर गया, है ना, हम बड़े दुखी परेशान। तो पौधे के में फूल खिलने या मुरझा जाने में मेरी एक निश्चित भागीदारी है, बट उस खिलेगा कि नहीं खिलेगा बहुत सारी बातों पर निर्भर है। तो ये जो फल परिणाम को लेकर हम प्रभावित होते रहते हैं, ये अपने आप में फसावट है। इसको ही परंपरा में कई प्रकार से कहा गया, भाई आप अपनी भागीदारी पे ध्यान दीजिए, ठीक, क्योंकि आपकी भागीदारी आपके भाव से तय होता है, और यदि समझ सुनिश्चित है तो हमारा भाव निश्चित होता है, उससे हमारी भागीदारी निश्चित होती है। तो जैसे ये अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा में भागीदारी की बात हो रही है। अब अखंड समाज होगा नहीं होगा, आज होगा, आज से 100 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, कहीं ना हो पाए, तो बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा। मैं इस बात से अपने आप को सुख को देख पाता हूँ कि मेरा व्यवहार तो हर क्षण न्याय करती है, अखंडता करती है। जी भैया, इसी में अगर कोई भावनाओं से परेशान हुआ है, मतलब हमने जब अभी भाव अच्छे थे और उसके लिए बेस्ट करना चाहा, पर जाकर के भावनाओं में कोई आहत हुआ है, तो उसका भी हम सेम सोच सकते हैं अभी जो हमने समझा है भाई। देखिए, जो बेस्ट करने जाते हैं ना, वो भी फसावट है। बेस्ट का मतलब क्या, यानी कि हम उसको किसी प्रकार उस घटना से सुखी करने जा रहे हैं कि किसी प्रकार इस घटना से सुखी हो जाए। हमने बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत अच्छे से सत्कार किया, रिसीव किया, है ना, या उसके लिए सुविधा जुटाई, और यहाँ पर हमने बच्चे के लिए बेस्ट किया, उसके पढ़ाई लिखाई में अधिक से अधिक खर्च किया, करियर के लिए खर्च किया, शादी के लिए खर्च किया, हमने तो अभी से बेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल। बट आधार में जो समझ सुनिश्चित होना था उस बच्चे के अंदर, वो छूट गया। जो सही भाव सुनिश्चित होना था वो छूट गया। एक समय के बाद बच्चे के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब हम बैठ के सोच रहे हैं कि हमने तो बेस्ट किया इसके लिए, आज के दिन देखो उसके अंदर हमारे प्रति कोई कृतज्ञता का भाव भी नहीं है, उसके जीने में सुख भी नहीं है, हमने कहाँ गलती कर दी। तो गलती तो की ही हमने। मानव के लिए करने का काम है, जी, मानव के लिए करने का काम है सही समझ, सही भाव विकसित करना, उनको दिखाई दे, उसी अर्थ में सुविधा का नियोजन, जो सुविधा को उपलब्ध कराना उसी अर्थ में कराना, ये हमको स्पष्ट हो। अगर हम सुविधा के लिए काम करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। भावनाओं में भी भैया हम ये सोचना है कि हमने सुविधा की दृष्टि से किया था जो भाव किए थे सामने वाले के लिए, या अपने भाव, मेरे भाव तो सही थे पर सामने वाला उन भावों को कैसे लेकर के सोच पा रहा था ये समझ करके फिर प्रभावित होना या नहीं होना डिपेंड करेगा। जी, तो हमें दिखता है कि मेरी भागीदारी उभय सुख के अर्थ में है, पर दूसरा मेरा मूल्यांकन किस प्रकार से करेगा।
कि दूसरे के मानने पर निर्भर है। अगर मानना जानने पर आधारित है तो ठीक प्रकार से करेगा, अगर मानना जमीन के भाव में है तो गलत करेगा, है ना। और सेम पाथ पर दोनों हैं भैया तो बातचीत कर सकते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था और आप ये सोच करके इसको यूज कर रहे थे, तो ऐसे संवाद में लेना भैया। हाँ, तो संबंध में कहीं भी अगर मूल्यांकन में चूक हो रही है कार्यक्रम बनता है कि हम संवाद करें, है ना। ये जो मूल्यांकन है ये दोनों तरफ से होता है, मैं अपना स्वयं का मूल्यांकन करता हूँ, दूसरा मेरा मूल्यांकन, मैं दूसरे का मूल्यांकन करता हूँ, दूसरा स्वयं का मूल्यांकन करता है। तो ये चार मूल्यांकन फिर निर्वाह में शामिल होते हैं। अगर इनमें से कोई भी ठीक नहीं बैठा तो म्यूचुअल नहीं हो पाता। तो एक दूसरे के मूल्यांकन को भी ठीक सुनिश्चित करने के लिए संवाद करना बनता है, क्योंकि मेरी कल्पना चीजों में क्या चल रहा है, मेरे भाव में क्या है, वो तो अगला व्यक्ति नहीं देख पा रहा, वो तो मेरे निर्वाह को देख रहा है। तो ये ऐसे जब अपन इस भाव से कि समझ कर समझ बढ़ा पाए, इस भाव से जब बातचीत करते हैं और भैया थोड़े हाइपर हो जाते हैं और थोड़ा तो ये भी प्रभावित है अंदर किसी बात से, इसीलिए हो रहा है कि एकदम से लूज टेम्पर हो जाना, मतलब बहुत समझ करके बात कर रहे हैं आगे फिर भी समझना क्या। अब थोड़ा दीदी इसको समाप्त किया तो अलग से कर लेंगे समझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो मूल्य लिखे है ना सामने, इन मूल्यों का चिंतन हम में हो गया है ऐसा नहीं है। अभी तो हम विचार कर रहे हैं, एक अच्छा अपने अंदर हम एक अच्छा भाव रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा यही है कि उभय सुख हो, किसी को आहत करने, दुखी करने, परेशान करने की इच्छा नहीं है। परंतु उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो स्वयं में भाव की निश्चितता होनी है, जो वो नहीं है, होनी है, वो तो है नहीं अभी, मान लीजिए नहीं है तो फिर उसमें चूक होगी होगी। ये जो इच्छा में संतोष की बात होती है ना, तो ये जो आपने जितनी अभी स्थितियां बताई बताएंगे कि जब मुझे सही भाव दिखाई देता है, ये सारे मूल्य मेरे चिंतन में आते हैं। तो एक तो मुझे दिखता है कि मेरी भी स्थिति वही है जो दूसरे की है, चाहने में कोई अंतर नहीं है ना। और ये भी दिखाई देता है कि इसको चाहने के पूरा होने का प्रोविजन पहले से ही है नेचर में, इसमें भी कोई कमी नहीं है। ये जो चाहने को हम पूरा करने जाते हैं भाव के द्वारा, वहां फंस जाते हैं। अल्टीमेटली मैं की जो आवश्यकता है वो भाव के रूप में, समझ के रूप में, उसको पूरा करिए। ये तो संतोष की स्थिति नहीं होती, संतोष की स्थिति नहीं होती फिर ये द्वंद अंतर विरोध है ना, ये सब उलझन चलता रहता है। हमको दिखाई दे कि मेरी चाहना ठीक है, अगले की चाहना भी ठीक है, मेरी भागीदारी भी वही है जो अगले की भागीदारी है, ठीक। और उसको पूरा करने का प्रोविजन नेचर में पहले से ही है, सिर्फ मुझे देखना समझना है, ये संतोष की स्थिति बनती है। अगर ये हमको पहले से उसकी आश्वस्ति नहीं बनती, इसका पूरा होना निश्चित है और उसका विधि भी निश्चित है, तो फिर हम फल परिणाम पर निर्भर हो जाते हैं। बढ़िया दीदी, बढ़िया। आपकी शेयरिंग से मुझे लगता है कई लोगों का ध्यान कई मुद्दों पे गया होगा, कुछ चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्सेज आए हैं। बढ़िया, एक प्रश्न और किन्हीं का है ले लेते हैं, उसके बाद फिर और दीदी की बात से ही मैं बात करना चाह रही थी कि जैसे मानना जांचना और परखना सब सब तो नहीं करते हैं हम, हमने कितना भी करते रहे कोशिश करें कि सहज भाव की स्थिति बनी रहे, लेकिन कभी कभी सामने वाले चीजें कुछ ऐसे हो जाती है जिससे ये चीजें अननेसेसरली ट्रिगर हो जाती है और आप कितना भी सहज में रहना चाहे आप रह नहीं पाते। तो मैं ये समझती हूँ कि प्रैक्टिस जरूरी है लेकिन कभी कभी ये हो नहीं पाता, तो इसका मतलब मैं इसका आकलन कैसे करूं? क्या मैं ये समझूं कि मुझ में अभी भी और मेहनत करने की जरूरत है या मुझे सामने वाले को कन्विंस करने की जरूरत है या उसको पूछने की जरूरत है? तो ये जो एक डेडलॉक सिचुएशन कभी कभी हो जाता है या बात आगे बढ़ नहीं पाती, उसको हम किस तरीके से कभी कभी मैनेज करें? कुमार भैया जी, देखिए इसमें भी मुख्य बात तो भाव की निश्चितता की है, यहाँ भी जो आप बात रख रही है, अल्टीमेटली हम फल परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो फल परिणाम तो बहुत सारी घटनाओं के योग संयोग से है, जिसका उन्होंने कुछ उदाहरण अभी लिए। हमारे भाव में निश्चितता है कि नहीं, ये देखने का मुद्दा है। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि फल परिणाम हमारे आशा के अनुरूप होते हैं, भले हमारे भाव में निश्चितता नहीं है, उससे अल्टीमेटली वो आशंका भविष्य के लिए बनी रहती है कि फिर पूरा होगा कि नहीं होगा। बट यदि भाव में निश्चितता है तो हम फल परिणाम से मुक्त रहते हैं। वो तो भाव में, मतलब भाव में तो निश्चितता है,
फल परिणाम की परवाह नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी अननेसेसरली चीजें डेडलॉक हो जाए, बात मतलब सही आप कर रहे हो फिर भी सही बात नहीं पहुंचे, या तो उसको हम कैसे डील करें, वो हम कैसे बाहर निकालें? वही ना, तो हमने समय रहते अगर अगले व्यक्ति के साथ समझ के लिए काम नहीं किया, समझा, जितनी भी सार्थक बात करें अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। जैसे अगर मैंने बच्चे के साथ बचपन से ही सही समझ सही भाव को इंश्योर करने के क्रम में कार्यक्रम नहीं बनाया, ठीक, अब बड़े होने पे हम गाइडेंस दे रहे हैं, बेटा ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, काम करेगा वो ना? नहीं काम करेगा, वही हमारे संबंधी के साथ भी है। ओके ठीक, बढ़िया दीदी। तो हम अगर मूल्य को देखें तो ये 30 मूल्य दिखाई देते हैं। स्वयं में देखें सुख शांति संतोष आनंद, जब उन्होंने सेल्फ के पूरे क्रियाओं को लिस्ट करते हुए इनको अध्ययन किया था तो देखा था कि सुख शांति संतोष आनंद कैसे मुझ में घटित होते हैं। वैसे अगर हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी को देखने जाएं तो वहां पे धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी चूक हो गई है, ये नंबर 3 पे नहीं है। इसको अगर हम लोग देखें तो 6 मूल्य एक साथ है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में, सार्वभौम व्यवस्था में धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, इन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मानव मानव संबंध में देखें तो 9 स्थापित मूल्य हैं, 9 शिष्ट मूल्य हैं। स्थापित मतलब जो मूल्य मुझे चिंतन में आते हैं स्वयं स्थापित होते हैं। शिष्ट मतलब कि जब दूसरा व्यक्ति मेरा मूल्यांकन करता है तो किस रूप में दिखाई देता है, शिष्टता के रूप में, है ना। और मानव शेष प्रकृति संबंध में अगर देखें तो उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, तो ऐसे करें तो 4 मूल्य स्वयं में, 6 मूल्य व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में, 18 मूल्य संबंध में और 2 मूल्य सुविधा के संबंध में, ऐसे 30 मूल्य दिखाई देते हैं, है ना। तो स्वयं में इन द सेल्फ पहला है, दूसरा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में, तीसरा मानव मानव संबंध में ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में, तो अब नेचर रिलेशनशिप में जी। तो अगर अभी की स्थिति का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि हमारा ज्यादातर ध्यान तो शेष प्रकृति के साथ जो मूल्य का निर्वाह है उस पे भी रहता है, उसमें भी देखें तो ठीक से उसके जो सार है उस पे नहीं रह पाता, उसके रूप गुण पे रहता है। जैसा भी जो पार्वती दीदी भी जो शेयरिंग कर रही थी, कविता दीदी कर रही थी, तो हम सुविधा को लेकर बहुत कुछ कर रहे हैं और उसके बेसिकली देखें तो रूप और गुण को लेकर ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि अगले तक सही भाव पहुंच जाए। बट अगले तक सही भाव पहुंचे उसके लिए जरूरी है कि जिस प्रकार से संवाद होना है, जिस प्रकार से अगले में भाव के निश्चितता के लिए योजना कार्यक्रम बनना है, अगर वो शेष रह गया तो उभय सुख उभय समृद्धि की संभावना कम बन पाती है। तो ये एक मुख्य बात है कि हम इन 30 मूल्यों में देखें तो मेनली उपयोगिता और कला को लेकर तो काम कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आप देखें कई बार उपयोगिता स्पष्ट नहीं होती, कला के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने किसी के लिए भोजन बनाया है ना, बहुत ही कलात्मक ढंग से उसको परोसा, बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया, ठीक, बट वो स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं है बहुत निश्चित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मतलब इन जनरल अगर देखें तो उपयोगिता मूल्य भी निश्चित नहीं है, भले हमने कला पे बहुत ध्यान दिया, हमने कोई कपड़ा खरीद कर किसी को दिया, ठीक, बहुत महंगा कपड़ा, बहुत आर्टिस्टिक कपड़ा, सब कुछ दिया, बट उस सम्मान के अर्थ में है या शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में ये निश्चित नहीं है। तो हम कई बार मेहनत भी जो करते हैं सुविधाओं को लेकर वो कला वाला भाग को ज्यादा महत्व देते हैं, उपयोगिता छूट जाती है। और आप पाएंगे कि अगर उपयोगिता छूट गया, कला वाले भाग पे काम किया तो उसमें हमारा श्रम बहुत लगता है, ठीक, बट आउटपुट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। और अगर हम पूरे समाज में देखें तो कला को लेकर बहुत सारा काम हो रहा है, बट हो सकता है उसकी उपयोगिता ना हो। हम ऐसे गीत बना रहे हैं, संगीत बना रहे हैं, ऐसे पेंटिंग बना रहे हैं, ऐसे घर बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, है ना, घर के फर्नीचर बना रहे हैं, जिसमें हम कला वाले भाग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, बट उपयोगिता निश्चित नहीं है। अल्टीमेटली हर मानव में ये 30 मूल्य स्थापित हो जाएं, ये उसकी उपयोगिता होगी, न कि अन्यथा। हम लोग और समझेंगे इस बात को। तो अगर हम इन मूल्यों का अध्ययन करें, ठीक है ना, तो इस प्रकार मुझे अपनी भागीदारी दिखाई देती है स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व में। तो स्वयं में भागीदारी किस रूप में है कि मेरे में अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए, जिससे मेरी क्रियाओं में लय स्थापित हो जाए, ताकि हर क्रिया हर दूसरी क्रिया के साथ लय में हो, संगीत में हो, और मेरे स्वयं में जो सुख की निरंतरता है उसमें भागीदार बनी रहे।
तो मेरी क्रियाएं ही मेरे दुख के लिए जिम्मेदार हैं। ये तो हम लोगों ने देखा था, है ना, कि मैं अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरा अपना विचार ही मुझे दुखी करता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। मेरी इच्छाएं ही मुझे परेशान करती हैं, उलझन में रखती हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तो मेरी इच्छाओं में लय हो, विचार में लय हो, मेरे चयन आस्वादन में लय हो, ताकि मेरे निर्णय मेरे स्वयं के हारमोनी के टर्म्स में हो, दूसरे के साथ संबंध में हारमोनी के टर्म्स में हो। तो सुख शांति संतोष आनंद, ये चार भाव दिखाई देते हैं। तो अनुभव के आधार पर बोध में पूर्णता हुई, इसको आनंद कहा। आनंद के आधार पर यानी बोध में पूर्णता के आधार पर ये मुझे इच्छा में दिखा कि इच्छाएं निश्चित हैं और इसके पूरा होने की जो प्रोविजन है वो पहले से ही प्रकृति में बना हुआ है, अस्तित्व में बना हुआ है, ये पूरा होना ही है। इससे जो मेरे अंदर स्थिति बनती है उसको संतोष कहा। इसके आधार पर जो मेरे विचार होते हैं उसमें शांति होती है, क्योंकि उसमें अंतर्द्वंद अंतर विरोध ये सब नहीं होते, है ना, मुझे स्वयं में विचारों में शांति मिलती है। एक अच्छा रिफ्लेक्शन रहा जो दीदी लोग शेयर कर रही थी, तो उससे दिखता है कि कैसे वो चीजें धीरे धीरे सामंजस्य में आते हैं, लय में आते हैं, अगर हम यहाँ से शुरू करें, है ना, आनंद से संतोष से शुरू करें। और अगर ऐसा होता है तो मेरे आशा में हर क्षण सुख का आस्वादन होता है, तो ये सुख शांति संतोष आनंद के रूप में दिखाई देता है। वैसे ही अगर हम भागीदारी के रूप में देखते हैं तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के रूप में दिखाई देता है। अगले स्लाइड्स पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। संबंध में मूल्यों को देखें तो विश्वास सम्मान स्नेह से जाकर प्रेम तक मुझे स्वयं में स्थापित मूल्य दिखाई देते हैं। ये मूल्य मुझ में स्थापित होते हैं, वही जब आचरण में होते हैं तो दूसरे को किस रूप में दिखाई देते हैं उसको शिष्ट मूल्य कहा। और मानव शेष प्रकृति में उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य दिखाई देता है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। बढ़िया, तो ये हमने देखा था कि स्वयं में अनुभव की क्रिया जागृत हुई, उससे बोध में पूर्णता हुई, उससे इच्छा में निश्चितता हुई, उससे विचार में निश्चितता हुई, उससे आशा में निश्चितता हुई। तो आनंद संतोष शांति और सुख इस रूप में दिखाई देता है। इस स्वयं में मेरे मूल्य हुए, मेरी क्रियाओं की मेरे निरंतर सुख में जो भागीदारी है वो मेरे स्वयं में मूल्य है, सेल्फ में मूल्य है। तो सुख को देखें तो चयन और आस्वादन के स्तर पे लय होना, संगीत होना, यानी कि अब जो मेरे अंदर आस्वादन हो रहा है वो लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ हो रहा है। तो जो भी मुझे शरीर से संवेदना आ रही है उसका जो मैं आस्वादन कर रहा हूँ ये लक्ष्य मूलक और मूल्य मूलक आस्वादन के साथ कर रहा हूँ। जो मैं चयन कर रहा हूँ लक्ष्य मूलक मूल्य मूलक आस्वादन के साथ कर रहा हूँ। तो लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य, यानी हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, ये सारा मुझे स्वयं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जहां अभी हम सुखी होने के लिए व्यवहार करते हैं, सुखी होने के लिए कार्य करते हैं, सुखी होने के लिए निर्वाह करते हैं, अब इसमें एक मेजर शिफ्ट मिलता है। मैं सुखी होकर करता हूँ, जब मैं सुखी होकर करता हूँ तो मेरे अंदर द्वंद की संभावना नहीं रहती। मैं सुखी हूँ उसको शेयर कर रहा हूँ, अगला व्यक्ति मेरा जैसा मूल्यांकन करता है उससे मेरा अपना स्वयं का मूल्यांकन प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस मूल्यांकन के आधार पर मैं दूसरे का मूल्यांकन कर पाता हूँ कि क्या देख पा रहा है क्या नहीं देख पा रहा है, ये कहाँ तक समझ पा रहा कहाँ तक नहीं समझ पा रहा। तो पूरा रेफरेंस अब मेरे स्वयं में है, अब बाहर नहीं है। अब मैं दूसरे के मूल्यांकन से स्वयं में घबराता परेशान होता नहीं हूँ, दूसरे के मूल्यांकन से मैं प्रभावित नहीं होता, बल्कि मुझे स्वयं में दिख ही रहा है कि मुझे सत्य दिख रहा है, धर्म दिख रहा है, न्याय दिख रहा है ना, उसी दृष्टि के साथ अब मैं निर्वाह कर रहा हूँ। अगला व्यक्ति अगर नहीं देख पा रहा तो अगला कैसे देख पाए उसके लिए मैं योजना कार्यक्रम बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सत्य धर्म न्याय की दृष्टि के साथ जो मेरे विचार में निश्चितता हुई है उसके आधार पर मेरे अंदर चयन आस्वादन हो रहा है। और जो भी चयन आस्वादन हो रहा है, आस्वादन में हर क्षण सुख का आस्वादन हो रहा है, लक्ष्य का आस्वादन हो रहा है, मूल्य का आस्वादन हो रहा है कि नहीं, इसको सुख के रूप में दिखाई देता है। जी एक बार और करिएगा भैया। वैसे ही अगर विचार में देखें तो मेरे तुलन विश्लेषण में लय सामंजस्य स्थापित हुआ। ये जो पहले प्रिय हित लाभ के अर्थ में अंतर द्वंद अंतर विरोध, है ना, अपने आप उलझन परेशानी, इस तरह से क्लेश का भाव बना हुआ था, क्लेश की स्थिति बनी हुई थी, उसे निकल पाता हूँ मैं। मुझे दिखता है कि प्रिय का अपना सदुपयोग है, हित का सदुपयोग है, लाभ का सदुपयोग है, किस अर्थ में, उभय सुख में, उभय समृद्धि में। तो मैं श्रम करता हूँ, है ना, तो जब मैं श्रम करता हूँ, विनिमय करता हूँ, तो श्रम जितना मैंने लगाया उससे मेरे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए,
उस रूप में ही मैं विनिमय करता हूँ, संग्रह के लिए नहीं। उसको प्रतिफल कहा, तो जो लाभ की दृष्टि है परिणत होती है प्रतिफल में। मैंने श्रम किया, सुविधा का उपार्जन किया, सुविधा को शेयर किया, उसकी परिवार की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, मेरे परिवार की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, है ना। श्रम मेरी आवश्यकता है, श्रम उसकी भी आवश्यकता है, ये मुझे दिखाई देता है कि कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक सुविधा कमाना, ऐसा नहीं। श्रम करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, श्रम करना प्रकृति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस भाव से मैं श्रम करता हूँ और फिर मैं विनिमय करता हूँ, तो लाभ की जो दृष्टि है परिणत होती है प्रतिफल में। जहां मैं पहले अधिक से अधिक भोग करके सुखी होने में लगा हुआ था, उसके स्थान मुझे दिखाया था कि शरीर के पोषण की आवश्यकता निश्चित है, संरक्षण की आवश्यकता निश्चित है। उससे ज्यादा मैं करूंगा तो शरीर अस्वस्थ होगा, उससे ज्यादा मैं करूंगा तो मैं अपने आप में अभाव महसूस करूंगा, शरीर खराब होगा और सुविधाओं का दुरुपयोग होगा। तो मेरे अंदर जो दृष्टि बनती है स्वास्थ्य की बनती है, तो जो हित की दृष्टि होती है परिणत होती है स्वास्थ्य में। वैसे जो प्रिय की दृष्टि है हमारी, है ना, वो दिखता है कि मेरे शरीर की एक निश्चित बनावट है और वातावरण के अनुसार शरीर की आवश्यकता में परिवर्तन होता रहता है। ठंड है तो एक तरह का भोजन सूट करता है, गर्मी है दूसरे तरह का भोजन सूट करता है, रात है एक तरह का भोजन सूट करता है, सुबह का समय है एक तरह का भोजन सूट करता है। तो उसके अनुसार मैं अपने शरीर की प्रवृत्तियों को पहचान पाता हूँ और उन प्रवृत्तियों के आधार पर फिर मैं विचार करता हूँ कि अच्छा अभी अगर शरीर की आवश्यकता पूरी करनी है तो ऐसे करना है। तो जो प्रिय की दृष्टि है वो परिणत होती है प्रवृत्तियों में। इस प्रकार क्या होता है कि मैं अभी भी तुलन कर रहा हूँ, बट गाइडेड है, ये ज्ञान से गाइडेड है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से गाइडेड है, ना। मुझे लगता है कि जी मुझे दिखता है कि जो शरीर की आवश्यकता है वो सीमित है, सामयिक है और उसको इस विधि से पूरा करना है। तो मेरे विश्लेषण में, तुलन में लय संगीत बना रहता है जी। तो यहाँ पे ये तभी हो पाता है जब ऊपर की क्रिया ये नीचे की क्रिया का आधार बनती है निश्चितता के आधार पर। जब मैं स्वयं चिंतन को इंश्योर कर पाता हूँ, उसके अपने चित्रण को निश्चित कर पाता हूँ, मुझे मानव लक्ष्य की स्पष्टता हो पाती है, तो ये जाके विचार में ऐसा लय स्थापित हो पाता है जिससे शांति रहती है जी। नेक्स्ट भैया। वैसे ही अगर हम इच्छा के स्तर पे देखें तो जब मेरे अंदर मूल्यों का चिंतन होता है, मुझे भागीदारी दिखाई देती है स्पष्ट रूप से हर अवस्था के साथ, हर इकाई के साथ, तो इसमें एक निश्चितता होती है कि नहीं, इस चिंतन के आधार पर चित्रण में निश्चितता होती है। अब मुझे कैसे जीना है ये मुझे स्पष्ट होता है और ये भी दिखता है कि प्रकृति में इसको पूरा होने का प्रोविजन बना हुआ है, पूरा होने की संभावना पहले से ही बनी हुई है कि पूरा होगा ही। मैं क्या आवश्यकता है, मेरे समझ और भाव से पूरी होती है, तो उसमें कहाँ बाधा है, कोई बाधा नहीं। समझ और भाव मुझ में सुनिश्चित होना है, मेरे द्वारा ही सुनिश्चित होना है, मुझे ही देखना है कि नहीं, उसका संभावना तो पहले से ही बना हुआ है। अगले व्यक्ति में भी जो सुख सुनिश्चित होना है उसके समझ और भाव से सुनिश्चित होना है, सुविधा या शरीर से नहीं, तो उसकी भी संभावना पहले से ही बनी हुई है क्योंकि उस चैतन्य इकाई की आवश्यकता भी चैतन्य क्रियाओं द्वारा समग्र समाज के लिए है। समाज के हर व्यक्ति की आवश्यकता, हर मैं की आवश्यकता उसके समझ भाव से पूरी होनी है। शरीर साधन है उसके लिए, सुविधा उसके लिए साधन है और ये प्रोविजन पहले से ही बना हुआ है। चैतन्य इकाई में ना कोई टूट फूट होना है, ना कोई बढ़ना घटना है, ना निश्चित रूप से उसमें एक परिमार्जन होना है, उसका प्रोविजन बना ही हुआ है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, अगला नहीं देख पा रहा, अगला नहीं समझ पा रहा है, देखेगा तो समझेगा, मैं भी देखूंगा मैं समझूंगा, वो पोटेंशियल मुझ में भी है उसमें भी है। ये बातों की इतनी सहज रूप से दिखाई देती है कि उसका एक आधार पर एक संतोष बना रहता है। तो जो फल परिणाम के आधार पर प्रभावित होना है फिर वो नहीं होता है ना। मुझे दिखता है अखंड समाज आज हो, कल हो, 100 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, उसका होना निश्चित है। जिस विधि से होगा वो निश्चित है कि नहीं, इस आधार पर मेरे अंदर संतोष का भाव बना रहता है तो मेरी इच्छाएं निश्चित रहती हैं और मुझे दिखता है कि पूरे अस्तित्व में प्रकृति में इसके लिए संभावना पहले से ही बनी हुई है। और ये तभी हो पाता है जब मुझे ऊपर की क्रिया से गाइडेंस मिलता है ना, बोध और संकल्प से गाइडेंस मिलता है जी। नेक्स्ट एक बार क्लिक करिएगा भैया। वैसे ही बोध और संकल्प के स्तर पे अगर हम निश्चितता को देख पाते हैं, तो पूर्णता को देख पाते हैं, तो मुझे प्रकृति की हर अवस्था की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उसके साथ मेरे अंदर निर्णय हो पाते हैं कि अब मेरी भागीदारी इसके आधार पर किस रूप में होगी, मेरा निर्णय क्या होगा इस समझ के साथ जीने का, वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुझे दिखता है कि चैतन्य इकाई चैतन्य रूप में बनी रहती है
जड़ इकाई है वो परिवर्तनशील रहता ही है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अवस्थाएं बनी हुई है, इन अवस्थाओं में परस्पर पूरकता बनी हुई है। अवस्थाओं के हर एक इकाई की निश्चित व्यवस्था है, उसको समझना है, वो मैंने देखा है, समझा है। ये जो मेरे अंदर भाव आता है कि देखा है, समझा है, तो उससे मेरे स्वयं में आनंद की स्थिति बनती है। और ये इसमें पूर्णता तभी होती है जब अनुभव की क्रिया घटित होती है। तो जब मुझ में अनुभव की क्रिया घटित होती है, उसके आधार पर जो निर्णय होते हैं प्रमाण के रूप में, उससे नीचे बोध और संकल्प में पूर्णता होती है, उससे नीचे क्रियाओं में निश्चितता निरंतरता होती है। तो अनुभव का मतलब है कि सहस्तित्व मुझे दिखाई देगा, पूरी प्रकृति किस प्रकार इस शून्य में, इस व्यापक में संपृक्त है, मुझे दिख गया, मैं उसको देख पा रहा हूँ, जैसा है वैसा देख पा रहा हूँ, उसमें कोई शंका भय नहीं रहा, है ना, कोई उसमें अपूर्णता नहीं रही, संपूर्ण को देख लिया, ये जो स्थिति बनी मेरे अंदर, है ना, तो वो उसको कहा अनुभव। अब उसके आधार पर निर्णय हो रहा है, तो अब मुझे दिखता है कि मेरा पूरा जीना अब इसी आधार पर होगा। तो मुझे दिख ही रहा है तो मैं अन्यथा क्यों विचार करूंगा, मुझे दिख ही रहा है तो मैंने तक मेरे अंदर कोई क्यों भाव तैयार होगा, मेरे निर्णय इससे भिन्न क्यों होंगे, क्योंकि यही सत्य है, इसी को मैं देख पा रहा हूँ, इसके आधार पर मैं जी पा रहा हूँ कि नहीं। तो ऐसी स्थिति जो मेरे अंदर बनती है, तो मैं आनंद की स्थिति में रहता हूँ, हर क्षण बना रहता हूँ ऐसा, ये मेरे स्वयं में मूल्य है। ये बात स्पष्ट हुई भैया, एक बार और क्लिक कर दीजिएगा, इस पर कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे रखी हुई है भैया, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। तो ये अभी जो आपने इतना सारा बताया, तो ये कोएग्जिस्टेंस में रहने के लिए बताया जा रहा, तो इसमें भैया मैंने ये जान पाया हूँ कि ये जो 30 वैल्यूज आपने दिखाई है 1, 2, 3, 4 में, तो उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स जो है, मुझे ऐसे लगते हैं, मैं मार्क्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, 18 के ऊपर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, जो कि ओनली ह्यूमन रिलेशनशिप है, दैट्स इट। कहना रुकिए, यहाँ गलती हो जाएगी। देखिए फोकस जो है वो तो अनुभव की क्रिया है, उसको जागृत करना जी, उससे ही मेरे अंदर ये मूल्य स्थापित होंगे, उससे ही अंदर संबंध में भाव स्थापित होंगे, उससे ही शेष प्रकृति के साथ मेरे भाव सुनिश्चित होंगे। तो केंद्र में ये 18 मूल्य नहीं है, केंद्र में तो अनुभव है जी। लेकिन वहां पर ये भी लिखा गया है आपने कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सप्रेस्ड वैल्यूज, मतलब जो एग्जिस्टिंग, जो रहना चाहिए और जो दिख रहा है, बराबर है ना? नहीं, एस्टैब्लिश और उस पे आते हैं अभी तो हमने 12 वैल्यूज की बात की। जब 18 वैल्यूज की बात करेंगे रिलेशनशिप में, तो आपके प्रश्न का उत्तर सहज रूप से मिल पाएगा। जी 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 ठीक है भैया, ओके ओके ओके, बढ़िया चल रहा है जी भैया, नमस्ते, बढ़िया बढ़िया भैया। अनुभव का मतलब, संदीप जी पूछ रहे हैं, अनुभव का मतलब पूरी प्रकृति को मैं शून्य में संपृक्त देख रहा हूँ। कैसे पूरी प्रकृति इस शून्य में, इस व्यापक में संपृक्त है, शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ जी। तो जो मैंने अभी बात कही वही स्लाइड में भी लिखा हुआ है। तो सुख के बारे में लिखा है, शांति के बारे में लिखा है, जो वहां पे पिछली स्लाइड में कंटेंट था वही फिर से रखा गया, वैसे संतोष और आनंद के बारे में रखा हुआ है। अब अगर हम यूनिवर्सल ऑर्डर में देखें, तो इस पर भी उन्होंने धीरता, वीरता, उदारता को लेकर डिस्कशन किया था, जब हम लोगों ने ज्ञानावस्था के स्वभाव को लेकर चर्चा की थी। तो धीरता का मतलब है कि मेरे अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित है, तो मैं धीर ही रहूंगा, मैं क्यों घबराऊंगा, परेशान होऊंगा, है ना, क्यों मेरे अंदर कोई अशांति होगी, क्यों मेरे अंदर कोई, है ना, उलझन घबराहट होगी। तो ये जो भाव है मेरे अंदर, ये मुझे दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, इसी को कहा धीरता। तो धीरता का मतलब मुझे समाधान दिख रहा है, हर क्षण दिखाई दे रहा है, यही समाधान है। वीरता मतलब कि मेरे अंदर समाधान है और अगले को समाधानित करने के लिए मैं हर क्षण तत्पर रहता हूँ, ये जो भाव ये वीरता है कि मैं दूसरे के ज्ञान समाधान को सुनिश्चित करने के लिए, दूसरे में सुख शांति संतोष आनंद को सुनिश्चित करने के लिए अपने आप में तत्पर बना रहता हूँ, ये वीरता है। ये तत्परता जो है मेरी, ये वीरता के रूप में दिखाई देता है। उसमें ये भी होगा कि अगर अगला कहीं समस्या में है, मैं उस तक पहुंचता हूँ,
है ना, उसकी समस्या के निराकरण करने के लिए। तो समाज में देखें तो ऐसा हम देख भी पाते होंगे, तो जैसे किसी परिस्थिति में कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ लोग आराम में बने रहते हैं, तो ये एक अंतर सा एक आचरण में भी दिखाई देगा। तो घबरा परेशान जा रहे हैं, हो जा रहे हैं, यानी धीरता का भाव है, आराम में बने रह रहे हैं, उसके साथ समाधान दे पा रहे हैं, एक अलग तरह की स्थिति दिखाई देगी। उदारता का मतलब मैं दूसरे के अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित करने के लिए तत्पर तो हूँ ही, उसके साथ में अपना तन मन धन लगाने के लिए भी तत्पर हूँ। तो ये जो तत्परता है मेरे अंदर अपना तन मन धन लगाने की, इसको उदारता कहा। और यहाँ मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगले की बेसिक आवश्यकता धन नहीं है, बेसिक आवश्यकता उसकी समझ है, भाव। तो मैं अपना धन भी लगाता हूँ तो इस भाव और समझ के साथ, अल्टीमेटली इससे उसके अंदर सुख शांति संतोष आनंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो होगा तो अनुभव की क्रिया जागृत होने से, बोध की क्रिया जागृत होने से, मूल्यों के चिंतन से होगा। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इनेबल करने के लिए जहां मुझे अपना तन मन धन लगाना है वहां मैं लगाता हूं। तो अगर मैं, है ना, तो ये तीन भाव मानव स्वभाव रूप में दिखाई देते हैं, धीरता, वीरता, उदारता। तो समाधान मुझे हर क्षण दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है कि अल्टीमेटली ये चार स्तर पर व्यवस्था को समझने, व्यवस्था में जीने से ही हर व्यक्ति सुखी होता है। और मैं अपने आप इस चीज को देख पा रहा हूँ, मैं सुखी हूँ इस समझ के आधार पर, ये धीरता है। दूसरे में भी ये समझ सुनिश्चित हो जाए तो मैं तत्पर हूँ, मेरे अंदर एक निष्ठा दिखाई देती है उसके लिए, जो ये वीरता है। और उसके लिए मैं अपना तन मन धन लगाने के तत्पर हूँ, ये उदारता है। वैसे ही दया, कृपा और करुणा, ये तीन भाव और उसके साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो धीरता, वीरता, उदारता जब मेरे अंदर होती है तो उसमें तीन मूल्य और स्पष्ट होते हैं। दया मतलब कि जैसे मैं अब वीरता के भाव के साथ देखता हूँ, उदारता के भाव के साथ देखता हूँ संबंध को, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास पात्रता है परंतु वस्तु नहीं है, यानी फॉर एग्जाम्पल वो समझ सकता है परंतु समझने की वस्तु नहीं पहुंची है, प्रस्ताव नहीं पहुंचा है, मैं उसको उपलब्ध कराता हूँ, ये दया है। और छोटे स्केल पे देखें तो भाई कोई सुविधा की आवश्यकता अगले की बनी हुई है और उपलब्ध नहीं है, तो अगर मैं उपलब्ध कराता हूँ तो ये दया है। कृपा का मतलब कि उसके पास वस्तु तो है परंतु पात्रता नहीं है, जैसे किसी के पास सही का प्रस्ताव पहुंचा हुआ है, वस्तु उपलब्ध है परंतु अभी तक उसके अंदर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई है समझने की, उसको डेवलप करना है, ना, ये पात्रता विकसित करना है, इसको कृपा कहा। और करुणा का मतलब कि न तो वस्तु है न पात्रता है और ये दोनों ही उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक, ये करुणा है। तो हम सार्वभौम व्यवस्था में अगर भागीदारी को देखें तो करुणा के भाव के साथ हो पाता है। समाज में इतने सारे मनुष्य हैं, किसी के अंदर समझने की जिज्ञासा है, किसी के अंदर नहीं है, हो सकता है एक बड़ा समूह ऐसा हो जिसके अंदर भी जिज्ञासा ही डेवलप नहीं हुई है, ठीक, जिनके अंदर जिज्ञासा है उन तक वस्तु नहीं पहुंची है। तो हर एक मानव समझदार जिम्मेदार हो जाए, हर एक मानव सुखपूर्वक जी पाए, ये भाव मेरे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव अपने आप में बना रहता है और उसके साथ में अपना तन मन धन लगाने के लिए तत्पर रहता हूँ, ये करुणा का भाव है। तो एक मानव मूल्य के रूप में देखें, मानव के अर्थ में देखें तो ये एक जब व्यक्ति यानी एक चैतन्य इकाई, एक जड़ इकाई शरीर के साथ जो निर्वाह करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके जीने में ये भाव दिखाई देंगे, ये आचरण में स्पष्ट होते हैं कि देखो उसके अंदर ना धीरता बनी रहती है, कितना वीर है कि हर व्यक्ति तक समाधान पहुंचाने के लिए तत्पर है, उदारता दिखाई देती है अपना तन मन धन लगाने के लिए कैसे तत्पर है, वैसे ही दया, कृपा, करुणा का भाव दिखाई देता है। तो हमें परंपरा में ऐसे कई लोगों के बारे में अध्ययन करने का अवसर मिलता है जिनमें ये भाव दिखाई देते हैं कि नहीं, इन शब्दों का सही अर्थ भी समझना जरूरी है। तो वीरता को हम मानते हैं कि भाई, है ना, कई बार ठीक से नहीं समझते तो उसका अन्यथा अर्थ भी लगा लेते हैं, उसी वीरता के नाम पे फिर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि नहीं। उदारता के नाम पे हम सुविधा तो बांट रहे होते हैं साथ में शोषण भी कर रहे होते हैं, तो ये उदारता नहीं है। उदारता में भी अगर हम सिर्फ सुविधा बांट रहे हैं, भले अपना सब लगा रहे हैं बट समझ के लिए काम नहीं कर रहे, तो उससे कोई समाज व्यवस्था बन जाएगी ऐसा नहीं है। हो सकता है अगला व्यक्ति श्रम करना ही बंद कर दे, हो सकता है व्यक्ति और परतंत्र होकर जीने लगे, क्योंकि जब बिना श्रम की सुविधा मिल रही है तो श्रम क्यों करें। तो हमने तो अपनी तरफ उदारता का निर्वाह किया और अगले को हमने गैर जिम्मेदार बना दिया, परतंत्र बना दिया। तो इन सारे शब्दों का सही सही अर्थ समझना जरूरी है। जी भैया जी, बस थोड़ा सा ये समझना चाह रही थी
दो तीन दिन से ये प्रश्न बार बार मेरे मन में आ रहा है कि जैसे अभी भी आपने बताया देवता वेता उदारता दया कृपा करुणा, तो ये सारे जो भाव है ये स्टेबल नहीं दिखते हैं अपने अंदर, जैसे कि कभी वो चीज दिखती है, कभी कम दिखती है, कभी ज्यादा दिखती है, एक तो ये दिख रहा है। दूसरा ऐसे लगता है कि एक लगता है कि कभी लगता है कि पूरा समझ जाए फिर हम इन मूल्यों को जी पाए, या फिर साथ में साथ जीते भी रहे, क्योंकि जब तक पूरी तरह से धीरता वीरता उदारता नहीं अपने अंदर स्थापित हो तो दया कृपा करुणा में भी कंटिन्यूटी नहीं दिखती है। दिखाई दे कि ये जो मूल्य की बात ही मानव मूल्य की, इसमें कंटिन्यूटी तो अनुभव की क्रिया के साथ है, जब कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस होगी, है ना। बट उसके पहले भी चिंतन में जितने भाव स्पष्ट हो जाएंगे उतने की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अच्छा हाँ, समझ में आता है पर कंटिन्यूटी नहीं दिखती है भैया जी। तो अभी हमें विचार में सेटल होता है, ये विचार में बात हमको ठीक जमती है, बट अभी वो चिंतन में नहीं आया है, भाव स्पष्ट नहीं हुआ चिंतन में, तो कुछ ना कुछ अंदर से है ना वो कठिनाई लगती है। एक बार चिंतन में आने की इच्छा हो रही है, जैसे कि जैसे आपने बताया दया कृपा करुणा को भी, तो कई जगह ऐसे लगता है कि नहीं ये मैंने बताना चाहिए, बोलना चाहिए, या अपनी भागीदारी दिखती है पर करने में कमी दिखती है, करने में ऐसा लगता है कि ये चीज ठीक है कि नहीं, या फिर ऐसा लगता है प्रस्ताव रूप में दे दिया। अभी वो भाव स्थापित होना है वो ना हो तो संशयता बनी रहती है अपने अंदर, एक संशयता मतलब शंका बनी रहती है, ठीक है नहीं है, क्या ठीक होगा, किससे फल परिणाम अच्छा आएगा, किससे नहीं आएगा, ये सब शंका लगी रहती है। कल बात करेंगे दीदी इस पे, जीने से जुड़े बहुत सारे मुद्दे भी इससे निकलेंगे, है ना, बिल्कुल बात करेंगे। कल चैट बॉक्स में एक मैसेज है, तो हम में से जो भी साथी स्टूडेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जो 10 से 15 जुलाई तक शाम को 5:30 से 9 बजे तक उसमें अपनी भागीदारी करना चाहते हैं, तो एक गूगल फॉर्म चैट बॉक्स में अवेलेबल है, उसे हम सबमिट कर सकते हैं हमारे समय अनुसार, जब भी हम लोग फ्री रहेंगे तब इस वर्कशॉप में अपनी भागीदारी को निभा सकते हैं। और दूसरा जो मैसेज है वो हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब की लिंक अवेलेबल है, तो उसका भी हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद।